नमस्कार दोस्तों, किरण्स किचन में आपका स्वागत है। अभी तक आप सबने आलू के पराठे खाए होंगे या फिर उसके प्याज के खाए होंगे। केवल आज मैं आपको अपने फटाफट नाश्ते की तैयारी में दिखा रही हूँ कि आलू और प्याज का मिक्स पराठा कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको एक बाउल आटा लेना है और उसमें ठंडे पानी से उसको गूंदना है। थोड़ा सा गूंदने के बाद उसमें एक चम्मच नमक डालना है, थोड़ी सी एक चुटकी हींग लेनी है और इसको मिक्स करने के बाद आपको उसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डालनी है। ये सारी चीज़ें बहुत पाचक होती हैं। अगर इन सबको अपने आटे में मिलाकर गूंदेंगे तो ये आटे हमें आटा का जो है बना पराठा बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। फिर इसको हल्के हाथों से धीरे धीरे गूंदते हुए दबाते हुए इतना मुलायम गूंद लेंगे जितना कि मुलायम हमारा आलू है। अगर ऐसा रहेगा तो हमारे आलू बिल्कुल पराठा के आटे से बाहर नहीं निकलेगा। देखिए कितना सॉफ्ट आटा हो गया है। अब मैंने इससे ये चार छोटी छोटी लोइयां बना ली हैं। आप अपनी हिसाब से छोटी या बड़ी लोइयां बना सकते हैं। और अब हम इन लोइयों को साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम तवा लेंगे और उस तवा को मीडियम फ्लो पर गैस पर रख देंगे जिससे हमारा तवा धीरे धीरे गर्म होगा। मैंने ये दो चम्मच घी ले लिया है। आप अपने हिसाब से इसके लिए तेल भी ले सकते हैं। अभी आलू हमारे पास प्याज मैंने मिक्स करके रखा है। इसमें आलू प्याज धनिया नमक थोड़ी सी हींग मिला के रखी। इसकी छोटी छोटी लोइयां देखिए बिल्कुल लोई के बराबर बनाई है। अब इसको आटे की लोई पर रख देंगे और धीमे हाथों से दबा देंगे जिससे हमारा आलू बाहर नहीं आएगा। देखिए बिल्कुल हमारा आलू पैक हो गया है और ये हल्के हाथ से मैंने दबा दिया है जिससे आलू एक सा पूरे में फैल जाएगा। अब थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए हल्के हाथों से इसको हम बैलेंस करेंगे और थोड़ा बहुत ही हल्के हाथों से दो बार इस पर बेलन चलाएंगे। बस दो बार बेलन घुमाने में ही हमारा पराठा पूरा सेकने लायक तैयार हो चुका है। और हल्के हाथों से इसको उठाते हुए हम अभी जो तवा हमारा गर्म हो चुका उस पर डाल दिया। अब आप देखिए जब तक ये तवा पर पराठा धीरे धीरे सिकेगा तब तक मैं दूसरी लोई बना करके तैयार कर लेती हूँ जिसमें हम आलू भरेंगे अपना। और फिर पहले की तरह से ही आलू को उस पर लोई पर रखते हुए गोल कर देंगे जिससे हमारा आलू बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। और फिर से हम अपने आलू को उसमें पूरा बंद करते हुए थोड़ा सा इस पर सूखा आटा लगा के बेल देंगे। अब पराठा तब तक देखिए सिक चुका है। इसको बहुत ही सावधान हाथों से पलटेंगे जिससे ये नहीं फटेगा। मैं तो बहुत मुलायम होता। अब इस पर हम चौरस घी लगा देंगे, चारों तरफ घी लगा देंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी लेना चाहें घी या तेल वही यूज करें, लेकिन मैंने यहाँ घी लगाया। देखिए कितने अच्छे से घी हमने उस पर पूरा फैला दिया है। और अब इसको पलट देंगे। ये देखिए सुनहरा भुन रहा है। अब दूसरी तरफ भी हम घी लगा देंगे और धीरे धीरे उसको सिकने देंगे। अब आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ हमारा पराठा जो है सिक रहा है और उधर हमारी लोई बेलने के लिए तैयार है। ओ, अब हमारा पराठा देखिए दूसरा भी बिलकर तैयार है। बिल्कुल देखो हल्के हाथों सबने बेला है। जैसे मैं बताती हूँ कहीं से भी आलू बाहर नहीं निकला है। इधर ये हमारा पराठा सिककर तैयार हो चुका है। इसे अब हम यहाँ से हटा करके एक प्लेट पर रख लेंगे। और देखिए दूसरा पराठा हमने डाल दिया है और जिस पर हमने घी लगा दिया है। आप देख रहे हैं कितना फटाफट ये नाश्ता तैयार हो रहा है। इतना स्वादिष्ट है कि जो भी इन पराठों को खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। आप देख रहे हैं धीरे धीरे इसके किनारे दबाते हुए सेका तो कितना क्रिस्पी सेका है। और ये तैयार है। इसके साथ हम नारियल की चटनी परोसेंगे। नारियल की चटनी हमने पहले से बना के रखी है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और आप सबका